सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक हो, मैं दुआ करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो स्टिक बना रही हूँ, क्रिस्पी वाला। चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या लगता है। ये पोटैटो इससे मैं इस तरह से घिस के ले ली हूँ, चाकू से मत काटना, फोल्ड नहीं होएगा, इसी से ही करना, चॉपर से ही। और मैं 2 चम्मच आके स्वेजन चटनी ले ली हूँ और 1 चम्मच मिर्च पाउडर ली हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला ली हूँ, 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच नमक ली हूँ, थोड़ा सा फूड कलर ली हूँ, कलरफुल अच्छा दिखेगा इसके लिए, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ली हूँ। ये चावल का आटा ले ली हूँ मैं, थोड़ा सा मैं देख के डालूँगी कितना लगता है, 2-3 चम्मच डालूँगी बस, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और 1/2 कप मैं मैदे का आटा ली हूँ, 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर ली हूँ और 1 बड़ा चम्मच मैं आके रेड चिल्ली सॉस ली हूँ और 1 चम्मच आके सोया सॉस ली हूँ। और ये स्टिक ले ली हूँ इस तरह से लंबी वाली, ये मैदे का आटा डाल देती हूँ इसमें मैं। एक कॉर्नफ्लावर भी डाल देती हूँ इसमें मैं। और चावल का आटा मैं 1/2 वाटी डालती हूँ, 1/2 से थोड़ा कम नहीं, बाद में मैं देख के डालती हूँ। ये जीरा पाउडर डाल दी हूँ इसमें, मिर्च पाउडर डाल दी हूँ और नमक भी डाल दी हूँ। सब मसाले डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मैं डाल ली हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के मिक्स करती हूँ, मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। पानी एक साथ नहीं डालना है ज़्यादा, फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा ये हमारा घोल बैटर इसका, थोड़ा थोड़ा देख के डालना है इसको। ये इसमें है ना एक क्यूब डाल देती हूँ, ये मैगी का है, ये वेजिटेबल का, इसमें चिकन का भी आता है, वेजिटेबल्स का भी आता है, ये डालने से क्या बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक डाल देती हूँ इसमें मैं। ये देखो इस तरह से रहना चाहिए बेटर, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और जो मैं वो दिखाई ना आपको मैगी का क्यूब दिखाई ना, वो किधर भी आसानी से मिल जाता है जनरल स्टोर में, दुकान में, वो डालना अच्छा टेस्ट आता है, जैसा बाहर मिलता है ना उस तरह से। ये इस तरह से इसको है ना इसमें लगा देना है एक एक करके, ऑपोजिट लगाना है ऐसा। ये देखो इस तरह से, एकदम इसको पतला पतला ही काट लेना, ज़्यादा मोटा काटेंगे तो फिर इसको है ना नहीं फोल्ड होएगा ये। इस तरह से लगा लेना है इसको, पतला ही काटना है इसको, ज़्यादा मोटा काटेंगे तो इसमें फोल्ड होके नहीं लगेगा ये। ये देखो मैं सारे इस तरह से लगा ली हूँ, तो इस तरह से बैटर डाल देना है अच्छे से, तो इस तरह से अंदर तक सब अच्छा लगना चाहिए। इस तरह से अच्छे से लगा के इसमें छोड़ देती हूँ मैं, तेल रख ली थी मैं गरम के लिए। और इसको मैं अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से तल लेती हूँ। ये देखो कितना क्रिस्पी हो रही है, आप भी ज़रूर ट्राई करना, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनता है। मैं रमज़ान में बनाई थी लेकिन वीडियो नहीं पकड़ी थी इसका, इसके लिए मैं इसका वीडियो आपको अपलोड करके दिखाती हूँ। ये देखो मैं निकाल लेती हूँ, अच्छे से फ्राई हो गया है ये। मैं सारे तल के आपको दिखाती हूँ, सारे फ्राई करके ये डाल दी हूँ इसमें, मैं दूसरा प्याज डाली हूँ, मैं सारे फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस बनके तैयार हो गया है हमारा पोटैटो क्रिस्पी स्टिक बन गया है, देखो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बना है, बहुत क्रिस्पी बना है। इसको आप है ना मायोनीज के साथ और टमाटो केचप के साथ एंजॉय करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, दुआ मुझे याद रखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।